ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 7 जो कि Vectors का है, इसमें आज हम जिन दो Topics को Discover करेंगे, इसमें पहला Topic है Applications of Scalar Product और Second है Applications of Vector Product. अब इन दो Topic से Related जो MCQs हैं, वो हम One by One Solve करते हैं. MCQ की Statement है कुछ इस तरह से कि A force F जो के है 2i plus 4j minus 2k is applied at point p 2, 3 और minus 1 ये इसके coordinates हैं. Its moment about point a और a के coordinates हैं 1, 0, 3 is. यानि यहाँ पर basically जो effect of force है जिससे एक rotation produce हो रही है वो हम measure करने जा रहे हैं. ठीक है, जो कि हम कहेंगे कि ये application है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, तो देखें इसमें हम इसे टॉर्क भी कह सकते हैं. हम जानते हैं कि जो टॉर्क है, ठीक है, या मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि आर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर फोर्स से ले लिया जाए तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क होती है. ठीक है जी, पॉजिटिव होती है जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं. ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे पास आर है यानी जो मोमेंट आर्म है, ए पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है. ठीक है, और ये जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो पी पॉइंट है इस तरह से. तो हमें बेसिकली ए पी जो है जो वेक्टर की फॉर्म में अगर देखें तो ये हमें मालूम करना है, ये आर है. ठीक है, अब हमने इसे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं इस तरह से कहूंगा कि जो हमारे पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से ए के कोऑर्डिनेट्स का जो है वो डिफरेंस लिया जाएगा, यानी 2 में से 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा. ठीक है, 3 में से 0 का डिफरेंस 3 ही आएगा और -1 से -3 का डिफरेंस -4 होगा. तो ये हमारे पास अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कंपोनेंट्स फॉर्म में तो ये वो वेक्टर है जो कि बन जाएगा i plus 3j, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो जे कंपोनेंट की वो 3 है. ठीक है, और -4k. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा. इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ. चले जी, ये आ गया वेक्टर r. और अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम r का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें F के साथ तो हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू. ठीक है, इसके लिए हम डिटरमिनेंट का मेथड जो है वो यूज कर लेते हैं. हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ पर हम I, J और K जो है वो लिखेंगे कंपोनेंट्स. ठीक है, पहले R के कंपोनेंट्स लिखेंगे फिर F के. R के हैं 1, 3 और -4. रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के सामने इनकी वैल्यू लिखनी है. ठीक है, इस तरह के अगर हम देखें तो ये I कंपोनेंट 2 है, J 4 है और K -2 है. ये हमने यहाँ पर लिख दिए. अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से कर लेते हैं जी. ठीक है, अब जिस रो जिस कॉलम में ये I है इसको छोड़ दिया जाता है. 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा, 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा -16 आएगा, लेकिन चूंकि हम डिफरेंस लेते हैं इसका तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +16 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 इलिमिनेट हो गए खुद ब खुद. अब 3 और 4 में बात हो रही है कि इन दोनों में से एक होगा. नेक्स्ट अगर देखें तो माइनस जे. ठीक है, अब यहाँ से सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे इनकी एंट्रीज को. 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा और 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा -8 आएगा, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा. तो देखिए +6 आएगा आंसर. तो +6 या -j से मल्टीप्लाई तो -6j. इसका मतलब ऑप्शन 4 की तरफ हम जा रहे हैं. 4 का जो आंसर लिखा हुआ वो दुरुस्त है, लेकिन लास्ट भी देख लेते हैं एंट्री तो k से एक्सपेंड किया जाए. ठीक है, तो जिस रो जिस कॉलम में एंट्री इसको छोड़ दिया जाएगा 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6. 4 में से 6 का डिफरेंस -2 आता है. तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो बनता है वो 4 ही बनता है. ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर जो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स थी वो फाइंड आउट कर ली है और उसकी वैल्यू जो है वो फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल
दुरुस्त दिखी हुई है, और इस तरह से हमने जो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है उसको जो है वो समझा। नेक्स्ट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम वेक्टर 2i माइनस डबल के प्लस एम जे माइनस के, ये एक वेक्टर है, और दूसरा है जी माइनस i प्लस एम जे और प्लस 7 के आर परपेंडिकुलर। अब ये बात हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट जब जीरो आ जाए तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए फर्ज करें अगर ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए डॉट बी हम इस तरह से लिखते हैं कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब अगर एंगल 90 डिग्री हो, कॉस 90 जीरो होता है, और यहाँ पे वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो भी नंबर होगी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ए डॉट बी जीरो के इक्वल है। अब इसमें एम जो है बेसिकली वो एक मिसिंग नंबर है जो कि हम यहाँ से इनके डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ए वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, उससे ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और ये इक्वल टू किसके है, जीरो के, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं फर्ज करें एम की वैल्यू 3 लिख देता हूँ, पॉजिटिव 3, तो मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे या के डॉट के ये 1 के इक्वल होते हैं, जबकि आई डॉट जे या जे डॉट आई या के डॉट आई या के डॉट जे ये 0 होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 आंसर किस सूरत में आएगा, यानी अगर 2 माइनस 1 से मल्टी माइनस 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, तो 9 में से 2 माइनस करें 7, जबकि ये माइनस 7, तो यानी m की वैल्यू 3 से ये ट्रू हो रहा है, और अगर माइनस 3 लिखा जाए तब भी ट्रू है, ठीक है। यानी हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और हम इसे विद द हेल्प ऑफ वेन भी सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं कि 2i माइनस i से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आ जाएगा, प्लस m, प्लस m से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर आएगा, और j डॉट j हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आएगा खाली m स्क्वायर, और माइनस k यानी माइनस 1 7 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 7, और k से का डॉट प्रोडक्ट 1, और अब ये देख सकते हैं आप माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 होगा, जो कि इक्वालिटी की राइट साइड पे जाकर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड हो गए। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 आ जाएगा, तो इससे हमें पता चल गया कि m की वैल्यू जो है वो प्लस 3 भी हो सकती है और माइनस 3 भी हो सकती है, दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी एक डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एम सी क्यू पढ़ते हैं, जिसकी स्टेटमेंट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वैक्टर ए एंड बी, वेयर ए वैक्टर जो है वो इक्वल है i प्लस 2 जे माइनस के इक्वल, और b वेक्टर जो माइनस i प्लस j प्लस 2 के इक्वल है, तो इनके दरमियान जो कोसाइन एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये बात हम जानते हैं कि a डॉट b जो है ये किसके इक्वल होता है जी, a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हम पहले अगर a और b का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, यानी ये बात हम जानते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम जो है अगर जे डॉट आई या के डॉट जे ले लें या के डॉट आई, तो वो 0 के इक्वल होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें आई माइनस आई का डॉट प्रोडक्ट जब प्लस आई से लेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 आएगा बल्कि, ठीक है, चूंकि 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, और i डॉट i 1 प्लस 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई होंगे प्लस 2 आएगा, और j डॉट j 1 के इक्वल। इसी तरह प्लस 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 आएगा, और k डॉट k 1 के इक्वल है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम किया जाए, तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है।
यानी x कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 6 आ जाएगा ठीक है स्क्वायर रूट 6 जबकि दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और फिर 2 का स्क्वायर 4 ये भी 6 आ रहा है यानी कि अंडर रूट 6 का स्क्वायर ये 6 आ जाएगा जबकि यहां पर ये 1 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये देखें ये 1 ओवर 6 आ रहा है ये हमारे पास कोसाइन ऑफ थीटा है जो कि क्योंकि ये 6 बनेगा और ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो रहा है ठीक है तो ये 1 ओवर 6 इसकी वैल्यू तो cos थीटा अगर 1 ओवर 6 है ठीक है तो अगर हम इसको अब مزید सिंपलीफाई करते हैं ठीक है यहां पर इसको देख लेते हैं कि इसका क्या कौन सा ऑप्शन जो यहां पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनता है यहां पे बल्कि एक करेक्शन भी करनी है एक तो यहां पे माइनस का साइन मैंने मिस किया था और दूसरा ये कि क्वेश्चन में यहां पर माइनस 2 ठीक है अगर चूंकि जो ऑप्शन है वो हमारे से भी मैच नहीं कर रहे थे ये माइनस 2 के है ठीक है तो इस लिहाज से फिर जब ये माइनस 2 के इस प्लस माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 आएगा ठीक है तो ये 4 में से 1 माइनस करें 3 आता है इसलिए यहां पर एक जो करेक्शन है वो हम कर लेते हैं ठीक है ये कैंसिलेशन नहीं हो रही बल्कि ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ठीक है 2 प्लस 2 और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 यहां पे 3 आ जाएगा ठीक है जी पॉजिटिव 3 और बाकी तकरीबन ठीक ही है अब 3 और ये 6 3 ओवर 6 तो देखें 3 अगर 6 से डिवाइड किया जाए इन 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 तो मेरे पास कोसाइन थीटा की वैल्यू आ रही 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर फिर सी में अवेलेबल है इसलिए हमारा अब यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फिर सी होगा नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अब असल में हम यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी एप्लीकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि जब हम a क्रॉस b वेक्टर फाइंड करते हैं ठीक है तो इसमें हमारे पास वो वेक्टर आता है जो कि परपेंडिकुलर टू a b मतलब वो वेक्टर होता है जो कि जिस प्लेन पे a और b वेक्टर है उस वेक्टर की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आती है यानी a और b के परपेंडिकुलर वेक्टर आते होता है ठीक है यानी a वेक्टर b वेक्टर sin ऑफ थीटा और n यूनिट वेक्टर ठीक है तो ये बेसिकली वो वेक्टर है यूनिट वेक्टर तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है ठीक है तो हम यहां पर पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम a क्रॉस b जो है वो फाइंड करेंगे ठीक है और a क्रॉस b हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम डिटरमिनेंट के मेथड से a क्रॉस b को फाइंड आउट करेंगे ठीक है हम यहां पर डिटरमिनेंट बनाते हैं कंपोनेंट्स लिखते हैं i j और k ठीक है और अब जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको लिखते हैं यानी a वेक्टर की i कंपोनेंट 2 है j 1 है और k भी 1 है जबकि b वेक्टर का i कंपोनेंट -1 j भी -1 और k -3 अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं ठीक है इस डिटरमिनेंट को और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या जवाब आता है i से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये 1 -3 से मल्टीप्लाई होकर -3 आएगा -1 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 जो कि फिर +1 हो जाएगा फार्मूला की वजह से ठीक है -j इस सेकंड जो हमारे पास एंट्री होती है फर्स्ट रो की इसके साथ हम मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ इसका साइन चेंज करते हैं नेगेटिव साइन आ जाएगा और 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 और -1 -1 +1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा लेकिन +1 हो जाएगा डिफरेंस की वजह से और +k यूनिट वेक्टर इनटू यहां पर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 और -1 1 से तो ये +1 आएगा डिफरेंस की वजह से यहां पर हमारे पास जवाब आ रहा है -2i ठीक है +5j और -k अब ये वेक्टर है जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो b में लिखा हुआ है ठीक है और इसकी अगर मैग्नीट्यूड ले ली जाए इस वेक्टर की तो वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास होती है इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का
सम का अंडर रूट लें, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 25 29 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 30 बनता, अंडर रूट 30, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा वो बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, द कंपोनेंट ऑफ बी बिलोंग ए इज, यानी अगर ए भी जीरो वेक्टर ना हो और बी भी जीरो वेक्टर ना हो, यानी इनकी मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, ठीक है, तो फिर अगर वो वेक्टर जो के हम यूं कहें कि बी, यानी बी हम यूं कह रहे हैं कि वेक्टर्स द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी वेक्टर का कंपोनेंट जो कि अलोंग ए हो। अलोंग ए का मतलब ये है कि ए की डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मतलब कि बी जो वेक्टर है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट यानी लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए से। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए जो है वो फिर हमारे पास ए यूनिट वेक्टर या ए डायरेक्शन वेक्टर होगा, जो कि इक्वल होगा ए वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन ए भी नहीं आ सकता इस लिहाज से, ठीक है, इसमें चूंकि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर इसमें आप बात करें तो इसमें हम बी वेक्टर की भी डायरेक्शन ले रहे हैं, चूंकि हमने बी को ए के लॉन्ग मतलब इसकी हमने फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, इसलिए हम बी का यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, ठीक है, और इसमें हम बी की डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी ए को कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन फिर यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कि जिसमें हम यूं बात करें कि बी का डॉट प्रोडक्ट दिया जा रहा है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए से, यानी अलोंग ए से, तो फिर ये जो डी ऑप्शन है हमारा लास्ट, ये बिल्कुल यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 के बराबर हो, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 के बराबर हो, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर हासिल होता है उसकी मैग्नीट्यूड 8 हो, तो फिर ए डॉट बी किसके बराबर है, ठीक है, यानी हम जानते हैं कि ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट जो वेक्टर का होता है वो होता है वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉस थीटा नहीं पता, यानी एंगल नहीं पता, तो कॉस की वैल्यू कैसे उस एंगल पे पता चल सकती है, ठीक है, जबकि हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो 8 है, यानी इसका फार्मूला अगर यूज़ किया जाए कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, अगर ऐसे लिखा जाए तो हम साइन थीटा मालूम कर सकते हैं, यानी चूंकि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 8 है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 और बी की 5, तो 10 बन गया, जो कि इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई और राइट साइड लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है, जो कि हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2 4 टाइम 8 टू 5 टाइम 10। अब देखें हम इस फार्मूला में एक चेंज ले आते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं इसे कि कॉस थीटा को लिख लेते कॉस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा ही लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगर इस पे हम जो हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख दें तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, यानी कोई चेंज नहीं आया। अब हम ए डॉट बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी है 2, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी है 5, और यहाँ पे हम 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4 ओवर 5 पढ़ लें और इसका स्क्वायर ले लें, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये 10 बन गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं 25 या एलसीएम लेंगे, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 ओवर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो देखिए 5 2 टाइम 10 और स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 के बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा।